गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई विश आप सभी लोग स्वस्थ हों, हेल्दी हों, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और फिज़िक्स को समझिए या समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, ठीक है। टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर सेकेंड यूनिट इन क्वांटम मैकेनिक्स एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि क्लासिकल कुछ घटनाओं को एक्सप्लेन करता है, या क्लासिकल नहीं तो ये कहें कि प्रकाश जो है उसका जो ड्यूअल नेचर है, यानी कि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति। तो जो प्रकाश है, अगर उसकी तरंग प्रकृति को हम लोग लेकर के चलें तो व्यतिकरण, विवर्तन, विक्षेपण, ये सब ऐसी घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव है, क्वांटम प्रभाव है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है और विशिष्ट ऊष्मा है ठोसों की, ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिनकी व्याख्या क्वांटम सिद्धांत से की जा सकती है, या यूं कहें तरंग सिद्धांत से नहीं की जा सकती। और इन प्रभावों की व्याख्या किससे की जा सकती है? क्वांटम सिद्धांत, जिसमें प्रकाश को कण स्वरूप में माना गया है। और आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश क्वांटा सिद्धांत, ठीक है। तो इसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या क्वांटम इफेक्ट, इन सब की व्याख्या की जा सकती है। और इन सब का मूल क्या था? मैक्स प्लांक, जिसने कहा प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है और उन्हीं रूप में संचरित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। और फोटोन में सबसे छोटा फोटोन, जिसकी, या यूँ कहें जो मिनिमम एनर्जी का फोटोन है, वो है एच न्यू एनर्जी का। और उसके बाद में जैसे हायर एनर्जी रहेगी तो 2H न्यू, 3H न्यू, 4H न्यू इस तरीके से रहेगी। NH न्यू ऑलवेज ए इंटीजर नंबर, ठीक है। N मतलब 0, 1, 2, 3, एक इंटीजर ही रहेगा हमेशा, ओके। उसके बाद प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों स्वरूप में विद्यमान होता है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि प्रकाश जो है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, ठीक है। जब प्रकाश तरंगे आपस में अन्योन्य क्रिया करती है या इंटरेक्ट करती है, तो इससे उत्पन्न प्रभाव जो है वो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का पालन करता है। और जब प्रकाश किसी द्रव्य से अन्योन्य क्रिया करता है तो वह कण स्वरूप अर्थात क्वांटम की तरह ऊर्जा का विनिमय करता है। अर्थात ये कहना चाहता है कि अगर दो तरंगे आपस में इंटरेक्ट कर रही है, दो लाइट वेव्स आपस में इंटरेक्ट कर रही है, तो इससे प्रकाश के तरंग सिद्धांत का पालन होता है, ठीक है। और जब हम लोग एक ऐसा इंटरेक्शन की बात करते हैं जिसमें एक तो लाइट है और दूसरा पार्टिकल है या कण है, कोई पदार्थ है, तो फिर वो कण स्वरूप जो होता है उसके तरह काम करता है, उसकी तरह क्या होता है? ऊर्जा का विनिमय करता है। लुई द ब्रोगली जो था, उसने 1924 में ये बताया कि जिस प्रकार प्रकाश तरंग के लाक्षणिक गुणों का कणों के लाक्षणिक गुणों से संबद्ध होना पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार गतिशील द्रव्य कणों के साथ तरंगों के लाक्षणिक गुण संबद्ध होने चाहिए। अर्थात किसी गतिशील कण के साथ सहचारी एक तरंग की कल्पना की जा सकती है, जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू h/p होती है। व्हाट इट वांट्स टू से इज दिस, कि जब कोई आप बात करते हो कि प्रकाश तरंग है, ठीक है, तो हम लोगों ने जैसे ऊपर ये कुछ घटनाएं पढ़ी, तो प्रकाश तरंग जो है उसके गुण जो हैं किससे मिलते हैं? जो पार्टिकल का नेचर होता है उसके साथ जुड़े रहते हैं, क्योंकि प्रकाश तरंग होती है उसके लिए हम कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी कंटिन्यूस ना होकर के टुकड़ों के रूप में होती है, ठीक है। यानी कि उसमें क्या है,
कणों का जो स्वरूप है वो भी एसोसिएटेड रहता है। तो ये कहता है कि जिस तरह से एक वेव के साथ पार्टिकल के जो गुण होते हैं वो एसोसिएटेड रहते हैं, उसी तरीके से जब कोई भी कण किसी पदार्थ का कोई भी कण गति करता है तो उसके साथ भी क्या होता है, एक तरंग के गुण जो है वो एसोसिएटेड रहते हैं। और इस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो होती है वो लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी होती है, जहाँ लैम्डा को दे ब्रोगली वेवलेंथ भी कहते हैं। द्रव्य तरंग की जो परिकल्पना है, हमने लास्ट अपने यूनिट में पढ़ा था कि कोई भी जो द्रव्य कण होता है उसके साथ एसोसिएटेड जो वेव होती है उसके बारे में हमने किस तरीके से उसका प्रूफ लिया था, उसकी प्रायोगिक पुष्टि हुई थी डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो था वो, उसके अंदर जीपी थॉम्सन नहीं पढ़ा था हमने, डेविसन जर्मर पढ़ा था। उसके अंदर क्या था कि इलेक्ट्रॉन गन से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वी वोल्ट से उनको एक्सेलरेट किया जाता है, तो हम उस पर जब उसको तरंग स्वरूप में मानते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को, तब जा कर के हम लोग उसका जो इंटेंसिटी का और जो उसकी वोल्टेज के साथ जो उसका कर्व था और जो तरंग स्वरूप मानने पर हमने जो ब्रेक का जो नियम था वो अप्लाई किया था, और उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमने वो फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से वो उसको संतुष्ट करता है। ठीक है, तो कण के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, उसका प्रायोगिक पुष्टि जो है वो डेविसन जर्मर प्रयोग से हुई थी। इस तरीके से हम लोग यह कह सकते हैं कि कोई भी जो प्रकाश होता है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार से कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी द्रव्य जो होता है उसकी भी द्वैत प्रकृति होती है। आवेशित कणों के क्यू बाई एम का मान, विल्सन क्लाउड चैम्बर आदि में आवेशित कणों के पथ, ये कुछ ऐसी घटनाएँ हैं आदि से क्या होता है, कोई भी कण प्रकृति जो है उसके जैसे ये ऐसे कहना चाहता है कि जो कण प्रकृति है प्रकाश की उसके फेवर में कुछ घटनाएं हैं। जैसे क्या है, जैसे हम किसी भी आवेश के लिए क्यू बाई एम का मान निकालना चाहते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट भी है और क्यू बाई एम निकालना। और दूसरा जैसे विल्सन क्लाउड चैम्बर है, तो उसमें तो क्या होता है कणों के पथ आदि के बारे में जैसे प्रयोग किया तो वो तो कण प्रकृति से ही डिफाइन किए जा सकते हैं। और जहाँ जैसे डेविसन जर्मर है, थॉम्सन है आदि के जो प्रयोग है उसमें हमें कोई भी जो द्रव्य कण होता है उसके साथ एक तरंग को एसोसिएट मानना पड़ेगा, तब जा करके वो उनको डिफाइन किया जा सकता है। इस प्रकार तरंग कण की द्विविधता विकिरणों और कणों दोनों में व्यापक रूप से लागू होती है, यानी कि रेडिएशन में और जो पदार्थ है उसके कणों में, दोनों में ही ये जो ड्यूल नेचर है वो लागू होता है। और ये प्रकृति के मूलभूत नियम और द्रव्य कणों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, विकिरणों पर और द्रव्य कणों पर समान रूप से लागू होते हैं मूलभूत नियम। द्रव्य कण मतलब कोई पदार्थ के कण, विकिरण मतलब रेडिएशन, समझ गए ना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है तरंग पैकेट की धारणा, की कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट क्या होता है। जब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी द्रव्य कण जो है उसके साथ एसोसिएटेड गतिशील द्रव्य कण के साथ एसोसिएटेड कोई वेव होती है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एंड पी क्या है, मोमेंटम है उस कण का जो कोई वेग से गति कर रहा है, तो एच बाई पी इज इक्वल टू एच बाई एम वी हो गया। यदि एम जो है वो द्रव्य कण की सहन्ति यानी कि मास है और वी उसका वेग है, तो उससे द्रव्य कण की आवृत्ति क्या आ जाएगी, आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, तो न्यू बराबर ई बाई एच और ई का मान है एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आवृत्ति न्यू बराबर जैसे एच बाई एम का मान रखेंगे ना, तो लैम्डा वी बराबर एच बाई एम, क्योंकि ये पीछे ऊपर वाले जहाँ पे मैंने टिक कर रखा है वहाँ है ना, यही तो है लैम्डा बराबर एच बाई एम वी, तो एच बाई एम इज इक्वल टू लैम्डा वी, तो सी स्क्वायर और ये हो गया लैम्डा वी। और अब हम लोग याद करते हैं कि कोई भी कण जो था उसके साथ एसोसिएटेड जो द्रव्य तरंग थी उसका वेग क्या होगा, तो वेग यानी कि उसका कला वेग जिसको बोलते हैं तरंग की कला का वेग, वेग जो है वो बराबर क्या हो गया आवृत्ति इंटू वेवलेंथ, तो इसका मान क्या आता है सी स्क्वायर बाई वी। अब ये आवृत्ति इंटू वेवलेंथ और वेग, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो आवृत्ति क्या है वन बाई टी, एक्चुअल में आवृत्ति क्या होती है
आवृत्ति का जो यही तो होता है ना, आवृत्ति 1/T ही तो होती है। और ये जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, मीटर में, मीटर जैसे आंगस्ट्रोंग है तो वो 10^-10 मीटर है, तो डायमेंशन तो मीटर ही है, तो मीटर पर सेकंड। तो ये डायमेंशन किसकी है, वेलोसिटी की है, ठीक है। और आवृत्ति की पर सेकंड होती है, तो 1/T मीटर पर सेकंड क्या हो गया, वेग की डायमेंशन होगी। जिनकी डायमेंशन सेम होती है आप उनको बराबर रख सकते हो। तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी या कला वेग द्रव्य तरंग का न्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से न्यू लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, c² / v, ये आ गया c² / v। तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू c² / v। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, और vp क्या है, vp c × c/v। v जो है वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, c × c 10^16। यानी कि ये जो फेज वेलोसिटी है वो क्या है, 10^16, मतलब कि इसकी भी जैसे कुछ वैल्यू रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर हम अप्रोक्सीमेट माने तो ये वीपी जो है वो प्रकाश के वेग से भी अधिक वेग से गति कर रहा है। मीन्स कि कोई भी जो द्रव्य कण है उसके साथ, द्रव्य कण के साथ एसोसिएटेड जो वेव है वो लाइट वेव से भी तेज़ गति कर रही है। मीन्स अब ये कण तो लाइट वेव से ज़्यादा गति कर नहीं पाएगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये वेव इस कण को छोड़ करके आगे निकल जाएगी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट गलत है। इसका मतलब कण से संबद्ध द्रव्य तरंग कण के वेग से अधिक वेग से गति करती है, और कुछ समय बाद द्रव्य तरंग कण को बहुत पीछे छोड़ देगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, यह एक असंभावित परिणाम है, क्योंकि कण और उससे संबद्ध तरंग एक ही स्थान पर होने चाहिए। अतः कण के साथ एसोसिएटेड द्रव्य तरंग के लिए केवल एक अकेली तरंग मानना कण कण के वेग और तरंग वेग की तुल्यता को प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि हमने कहा कि कोई भी द्रव्य कण जो है उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव होती है। तो ये परिकल्पना मानना गलत है, और इससे जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो ये कहता है कि कण के साथ एसोसिएटेड वेव की जो फेज वेलोसिटी है वो सी से भी ज़्यादा है, जो कि एक्चुअल में हो नहीं सकता। तो इसका मतलब हमने परिकल्पना गलत मानी है। इसीलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए कि कण जो है वो एक निश्चित लघु स्थान में रह सकता है डेल्टा एक्स में, हमने ये माना कि कोई कण जो है वो एक डेल्टा एक्स लिमिट में कहीं भी रह सकता है, तो उसके एसोसिएटेड द्रव्य तरंग का प्रभाव भी क्या है, उस सीमा के अंदर ही रहता है। जैसे क्वांटम के अंदर हम कहते हैं ना कि पोजिशन और मोमेंटम किसी को भी आप एक्यूरेटली या परफेक्टली मेज़र नहीं कर, प्रिसाइसली, सही शब्द जो कहेंगे, प्रिसाइसली मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन में अनसर्टेनिटी रहती है। तो अगर हमने कहें कि अगर जो कोई भी पदार्थ का कण है वो डेल्टा एक्स डिस्टेंस में कहीं भी हो सकता है, जैसे ये डिस्टेंस है इसमें कहीं भी वो हो सकता है कण, तो उस कंडीशन में जो वो वेव है वो भी इस एरिया के अंदर ही फैली रहेगी। तो जहाँ पे कण होगा वहाँ पे तो वो कण क्या, वो तरंग क्या होगी, वो स्ट्रांग होगी, और बाकी जगह क्या होगी, क्षीण होगी, ठीक है। तो ये जो तरंग अकेली नहीं होगी, ये तरंगों का क्या है, समूह होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, तरंग पैकेट होते हैं। क्योंकि अकेली तरंग माना तो फेज वेलोसिटी ग्रेटर देन सी आता है, इसका मतलब ये क्या है, तरंगों का पैकेट या तरंग समूह होता है। और इसे हम लोग किससे निरूपित करते हैं, साई से, ये साई, साई बोलते हैं इसको, साई से निरूपित करते हैं। ये साई जो है वो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होता है, इसे हम तरंग फलन का को इस तरंग फलन को हम तरंग आयाम भी कहते हैं, ठीक है। ये साई किसको डिनोट कर रहा है, कण की स्थिति को डिनोट कर रहा है, कि कण किसी समय टी पर किस स्थिति पर है, एक्स वाई जेड कोई भी स्थिति है उस पर है, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि कण के साथ एसोसिएटेड जो वेव पैकेट होता है उसको निरूपित करने के लिए जो हमने साई लिया है, वेव पैकेट को निरूपित करेगा ये। तो वेव पैकेट जो है वो क्या बता रहा है, वेव पैकेट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि जहाँ कण के पाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ वो शार्प होता है, जहाँ कम होती है वहाँ पे वो क्षीण होता है। तो साई में भी ऐसे गुण होने चाहिए कि वो भी पार्टिकल की पोजिशन को एक्यूरेटली बताने की कोशिश करे, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है
कि साई का मान जो है वहाँ अधिक होना चाहिए जहाँ कण के होने की संभावना या प्रायिकता क्या है अधिक हो, अन्य स्थानों पर इसका मान कम होना चाहिए। साई का स्वयं के साथ व्यतिकरण संभव होना चाहिए ताकि कणों के विवर्तन प्रयोगों डेविसन जर्मर प्रयोग आदि की व्याख्या की जा सके। साई जो है वो लीनियरली जुड़ जाना चाहिए, इसका मतलब ये है। तरंग फलन जो है वो एक कण के व्यवहार को निरूपित करे, ना कि अनेक कणों के सांख्यिकी वितरण को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक कण और उसके साथ एसोसिएटेड एक वेव पैकेट जो है उसको दर्शाने के लिए तरंग फलन को काम में ले रहे हैं, जिसको हम लोग तरंग आयाम भी कहते हैं, जिससे ये ऊपर डेल्टा एक्स दूरी पर ये वेव पैकेट जो है वो शो किया गया है। जहाँ कण की पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी वहाँ पर ये इस तरीके का, जैसे ये सेंटर में जो है ना इस तरीके का रूप होगा उसका, और बाद में लास्ट में क्या है वो क्षीण होगा। ठीक है, तरंग पैकेट जो है उसकी औसत तरंग दैर्ध्य लैम्डा नोट है तथा विस्तार डेल्टा एक्स दूरी तक है। उसका विस्तार डेल्टा एक्स दूरी तक है, औसत तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? दो उच्चिष्ट या दो निम्निष्ट के बीच की दूरी होती है, तो लैम्डा नोट हो गया। तरंग पैकेट जो है वो अनेक तरंगों जिनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा औसत तरंग दैर्ध्य लैम्डा नोट के आसपास है के अध्यारोपण से बनाया जाता है। तरंग पैकेट क्योंकि अनेक तरंगों का समूह है, तो अनेक तरंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा है और क्या है कि औसत जो है उनका वो लैम्डा नोट है, उनसे बनाया गया है। तो इन घटक तरंगों का आयाम साई के फूरियर रूपांतरण से प्राप्त किया जाता है, जहाँ के बराबर 2 पाई और लैम्डा जो संचरण नियतांक होता है। संचरण नियतांक क्या होता है? एकांक लंबाई में कलांतर। और मानक गणित का उपयोग करके यह सिद्ध किया जा सकता है कि उपरोक्त प्रकार के तरंग पैकेट के लिए डेल्टा के इज ग्रेटर देन और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू या ऑर्डर टू 1/∆x। ये डेल्टा के क्या है? देखो, डेल्टा के साई के फूरियर रूपांतर का विस्तार है, इसे एच कट से गुणा करने पर। नीचे लिखा है ये वाली लाइन, फूरियर रूपांतर का विस्तार है। तो ये डेल्टा के देखो, ये तो क्या है, जैसे एक वेव फॉर्म है या उसका आधा हिस्सा जो है उसकी मतलब निम्नतम बिंदुओं के बीच की दूरी है, ये निम्नतम बिंदु, ये निम्नतम बिंदु। और डेल्टा एक्स क्या है? पूरा वेव पैकेट। तो डेल्टा एक्स जो है, अगर 1/∆x करोगे, बहुत बड़ी राशि है डेल्टा एक्स, और उसका 1/∆x करोगे तो डेल्टा के जो है वो खुद ब खुद ही क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जब एच कट से गुणा करोगे तो पी जो होता है, पी बराबर होता है एच कट के। इसको हमने शायद पिछली क्लास में प्रूव भी किया था कि कैसे होता है पी बराबर एच कट के। अभी मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है कि आप लोगों को मैंने बताया था या नहीं बताया था। पी बराबर एच कट के होता है। ठीक है, तो जब हम लोग एच कट से दोनों साइड गुणा करेंगे तो एक तो क्या बन जाएगा, डेल्टा पी बन जाएगा, और एक डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। यानी कि ये भी क्या है, तरंग पैकेट से जब हम लोग किसी कण को निरूपित करते हैं तो वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का स्वतः पालन करता है। अब देखो, पहले तो क्या था, फेज वेलोसिटी थी, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप वेलोसिटी। विद बिकॉज ए वेव पैकेट इज एसोसिएटेड विद पार्टिकल, और ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग वेव पैकेट की बात कर रहे हैं तो उसके लिए तरंग समूह के लिए वेग जो होगा वो भी समूह वेग होगा। समूह वेग जो है यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी के हो गया। तो अभी हाँ से इसी में आएगा, वही जो मैं आपको बता रही थी वो इसी में आएगा। तो डी ओमेगा बाई डी के हो गया। तो आप क्या करोगे, जैसे वी जी, एक मिनट मैं फिर से बताती हूँ, वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी के। इसको भी एच कट से गुणा करो, इसको भी। जो एच कट ओमेगा होता है वो होता है ई, एच कट ओमेगा क्या होता है ई, और एच कट के क्या होता है पी। तो ई क्या होता है, चाहे तो आप इसको, अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो तो मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, रुकिए। जैसे दोनों को आपने क्या किया, एच कट से गुणा कर लिया, डी ओमेगा बाई डी के इज इक्वल टू एच कट से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई न्यू,
होता है ना, तो 2π ν। एच कट क्या होता है, एच ओवर 2π, 2π से 2π गया, क्या बच गया, h ν। एच न्यू ठीक है, इसको एज इट इज रखो। और नीचे क्या है, डी के, और फिर वापस आप क्या लिखोगे, एच न्यू का मान, तो h बट्टे 2π। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यू से एच गया और 2π, तो उसका तो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास नीचे जो है इसमें बच जाएगा। तो ये हमने एच कट लिखा था ना, तो एच कट का मान तो हो गया एच ओवर 2π। 2π जो है वो ऊपर चला जाएगा, चाहे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा इसको ठीक करके लिखती हूँ समझाने के लिए। जैसे डी को हटा के लिखते हैं, ओमेगा बाई के मानो आप, ओमेगा ओमेगा क्या हो गया, 2π ν। ठीक है, के क्या हो गया, एच कट का हमने ऊपर गुणा किया है और के एच कट, ठीक है, तो 2π ν एच ओवर 2π, के हो गया 2π/λ, एच कट हो गया एच ओवर 2π, 2π से 2π गया, 2π से 2π गया, एच से एच गया, ऊपर बचा न्यू, नीचे बचा 1/λ, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर से देख लेना एक बार, वीडियो को रोक के देख लेना। अब आप लोग क्या करोगे, ई बराबर एच न्यू और पी बराबर एच ओवर लेमडा, एच ओवर लेमडा फ्रॉम दे ब्रोगली। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी, तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे वापस एच का गुणा करोगे, तो ऊपर एच लिखने से ई बन जाएगा, नीचे एच लिखने से पी बन जाएगा, DE/dP। और ई इज़ इक्वल टू p²/2m, काइनेटिक एनर्जी जो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, फिर उसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या आ गया, p/m। p/m मीन्स v, p बराबर mv होता है। ठीक है, तो तरंग पैकेट जो कण के साथ एसोसिएटेड रहता है उसकी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर आ रही है, उस कण के वेग के बराबर। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि वो तरंग पैकेट जो है वो कण के साथ एसोसिएटेड रहेगा हमेशा और उसके वेग से ही गति करता रहेगा। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि एक द्रव्य कण के साथ जो सहचारी द्रव्य तरंग है उसकी जिसकी कल्पना कर रहे हो वो एक तरंग पैकेट के रूप में की जा सकती है, और ये तरंग पैकेट कण के वेग के बराबर वेग से गति करता है और अनिश्चितता के सिद्धांत का पालन भी करता है। तरंग पैकेट को साई से निरूपित किया जाता है, जिसे हम तरंग आयाम भी कहते हैं। फिर एक टिप्पणी करी है कि अगर डेल्टा के बराबर जीरो लें, डेल्टा के जीरो लेने से डेल्टा पी जीरो हो जाएगा। डेल्टा पी क्या होता है, एच कट डेल्टा के, ठीक है, मैंने बताया था ना पी इज इक्वल टू एच कट के होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये डेल्टा पी जीरो ले लें, इसका मतलब कण का संवेग जो है उसमें अनिश्चितता क्या है, शून्य है, अनिश्चितता शून्य हो गई। उस शून्य अनिश्चितता में, उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, स्थिति जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो स्थिति डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब कण जो है वो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, और इन सब का अर्थ है कि तरंग फलन साई एक्स टी चित्र 3 के अनुसार होगा, और यह एक ऐसे कण को निरूपित करेगा जिसका संवेग पी यथार्थ रूप से ज्ञात है, डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन उसकी स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। और ऐसे तरंग फलन हार्मोनिक फंक्शन या हार्मोनिक फलन के रूप में निरूपित किए जाते हैं। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एक डायमेंशन में कॉस के एक्स ओमेगा टी, सॉरी कॉस के एक्स ओमेगा टी, जैसे साइन साइन के एक्स ओमेगा टी, ये इसके एग्जाम्पल है हार्मोनिक फंक्शन के। और के बराबर 2π/λ, 2π/λ जो है, और के बराबर p/h कट, ओमेगा बराबर 2π ν बराबर e/h कट, जो भी इसने आगे पीछे h का गुणा करके कैसे भी सॉल्व कर लिया है, तो ये हमने ऊपर किया ही था। ठीक है, तो ये है एक थ्योरी कि किस तरीके से किसी द्रव्य कण के साथ एक तरंग एसोसिएटेड होती है। ये कहा गया कि दे ब्रोगली ने ये कहा कि द्रव्य कण के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, बट इट इज़ नॉट ए सिंगल वेव, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ वेव्स विच इज़ कॉल्ड वेव पैकेट। ठीक है, और
दिस वेव पैकेट हैव वेलोसिटी इक्वल टू द पार्टिकल और मैटर, उस द्रव्य कण के वेग के बराबर वेग से ही गति करती है। और वी कैन डेनोट दिस वेव पैकेट बाय साई, साई इज वेव फंक्शन और वेव एम्पलीट्यूड या तरंगायाम भी उसको बोल सकते हैं। ये एक सिंपल इंट्रोडक्शन था फॉर सेकेंड यूनिट कि क्या है, और हम लोग इसी को आधार मान करके ये जो अपना बेसिस था ये अपनी यूनिट आगे बढ़ेगी और चीज़ों को भी समझेंगे। तब तक अभी आप लोग आराम कीजिए, पढ़िए अच्छे से, समझिए, कोई दिक्कत आए तो पूछिए। थैंक यू।